प्यारे गुरुजी, आप कहते हैं कि अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, पर मैं आपसे बहुत अटैच्ड हूं। क्या गुरु के साथ अटैच्ड होना अच्छा है? मैंने कहाँ कहाँ अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, तुमने अपने आप मान लिया। मैंने कहा कि पूरी संसार से अटैचमेंट रखो और संसार को बनाने वाले से अटैचमेंट रखो। तो हमसे अटैचमेंट है, उसी अटैचमेंट के साथ पूरे संसार के सारे मनुष्य प्राणी सबको उसी अटैचमेंट के साथ देखो। अटैचमेंट को बढ़ाओ, ये तो ठीक तो है। गुरुजी, जब भी आपको देखते हैं तो आंसू अपने आप आ जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है, तुम जब भी दिल खिलता हो तो आंसू बहता है, जब भी कंठ भर आता हो तो आंसू बहता है। तो प्रेम से गदगद होकर के आंसू बहे, उस आंसू को पाने के लिए सारे फरिश्ते सारे देवताएं तरसते हैं, ये कहा गया है और होते भी हैं। कहते धन्य है वो जिनके आंखों में ऐसी आंसू निकली। जो प्यार की है, दुख का नहीं, प्यार की, तड़प की है, धन्य भागी की है। ज्ञान और विवेक में क्या फर्क है? ज्ञान दोनों को होता, सत्य का भी असत्य का भी। विवेक क्या सत्य है क्या असत्य है ये जानना विवेक। जैसे ज्ञान होता है बीमारी का भी और स्वास्थ्य का भी, दिन का भी और रात का भी। वस्तुओं को जो जैसा है उसको वैसे जानना ज्ञान है। और उस ज्ञान को जानने की जो प्रक्रिया है